खड़ा हो जाऊं या उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए? आप कहते हैं कि मैं कानून के खिलाफ हूं। आज से 40 साल पहले एक और आदमी था जो कानून के खिलाफ था। आज हम उस आदमी को बापू कहते हैं। मैं बापू नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना धंधा करना जानता हूं, मेहनत जानता हूं, गरीबी जानता हूं। दो कमीज, एक बीवी और एक साले को लेके आया था बंबई। सोचा था कि बिजनेस करूंगा, पर जब बंबई पहुंचा तो देखा कि धंधे करने के सारे दरवाजे बंद थे। वो खुलते थे तो सिर्फ अमीरों के लिए। सरकारी दरवाजे थे ये आप लोगों के बनाए हुए, जो या तो लात मार के खुलते थे या जी हजूरी देके। मैंने दोनों किया। जहां लात मार सकता था लात मारी, और जहां आपने बोला सलाम दो, मैंने कहा लो साहब सलाम लो। और आज आप मुझे यहां खड़ा करके ये कह रहे हैं कि आदमी तिल्ला क्यों मारता है, साला सलाम ही बहुत होता है। किस चीज से नाराज है आप? मेरी तरक्की से या मेरी तरक्की की तेजी से, या फिर सब लोग इसलिए गुस्सा है कि एक मामूली गवार की इज्जत से आगे बढ़ गया हूं मैं? पाईदोली से 20-20 किलोमीटर पैदल चला हूं केला सिल का ये बड़ा गत्ता सर पे लेके। पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर्स के लिए भी। मेरे को एक गोल्फ खेलना नहीं आता है, ये घोड़े की रेस भी नहीं दौड़ता हूं मैं, पर अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी हूं। पॉलिएस्टर बनाना जानता हूं, फाइबर, केमिकल, वो भी ये वन क्वालिटी का और सबसे सस्ते दाम में। ये है मेरी गलती, इसके लिए माफी मांगू आपसे। पेट्रोल पंप अटेंडेंट था मैं, डब्बे लेके घूमता था जैसे अपना देश वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाके घूमता है। पैसे दे दो सड़क बनानी है, पैसे दे दो वो करना है। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा पेट्रोल पंप अटेंडेंट रहूं और हमारा देश इसी तरह भीख मांग के घूमता रहे? क्यों ना बदले किस्मत हमारी, हमारी और हमारे देश की? क्यों ना हम वहां ऊपर तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल टॉप तक? क्यों आज भी हमें तीसरी दुनिया बुलाया जाता है, जबकि हमें भी उतना ही हक है पहली दुनिया बनने का, और हम वो बन सकते हैं। आप सब मिलके मुझे रोकना चाहते हैं ना? मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ पूरा देश बढ़ रहा है, और देश को रोकने की ताकत ना आप में है और ना ही आपके कानून में। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोया है मैंने, ये हाथ रखा रहता है साला, और न जाने जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म होगी तब तक और क्या क्या खो दूंगा मैं, अपनी आवाज, अपना दिमाग, अपना सब कुछ। पर एक चीज मैं नहीं खोऊंगा, और वो है मेरी हिम्मत, क्योंकि मेरी हिम्मत आम आदमी की हिम्मत है, इस देश की हिम्मत है। अरे इस देश की तरक्की पे कौन सी इंक्वायरी बिठाएगी आप, और ऐसी कौन